एक फिल्म में हीरो हीरोइन को कई सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं और यह कपड़े दोबारा कहीं नहीं दिखते। फिल्म हीरोइन में करीना कपूर ने 137 ड्रेस पहनकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, तो वहीं एक्शन रिप्ले में ऐश्वर्या राय ने पहने थे 125 कॉस्ट्यूम पहने थे। फिल्म देवदास में माधुरी दीक्षित ने और रामलीला में दीपिका पादुकोण ने 30 किलो का लहंगा पहना था। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों के बाद इन कपड़ों का क्या होता है? नहीं सोचा ना। आज हम आपको बताते हैं फिल्म खत्म होने पर क्या होता है इन कपड़ों का। दोबारा करते हैं इस्तेमाल। वैसे तो जो रिवायत है वो यह है कि फिल्म के खत्म होने के बाद उससे जुड़ा सारा सामान पेटियों में पैक करके प्रोडक्शन हाउस पहुंचा दिया जाता है। इन कपड़ों को दूसरी फिल्मों में मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। हालांकि यह ड्रेस लीड एक्टर्स को नहीं पहनाए जाते हैं। मिड डे से बात करते हुए डिजाइनर आयशा खन्ना ने बताया कि फिल्म बंटी और बबली के कजरारे गाने में जो ड्रेस ऐश्वर्या राय ने पहनी थी उसे फिल्म बैंड बाजा बारात के एक गाने में बैकग्राउंड डांसर के लिए दोबारा इस्तेमाल किया गया था। खरीद लेते हैं फैंस बॉलीवुड सितारों के फैंस की दीवानगी का कोई हाल नहीं। कई फैंस अपने फेवरेट स्टार की इस्तेमाल की हुई चीजों के लिए लाखों करोड़ों तक खर्च करने को तैयार रहते हैं। सलमान के एक फैन ने उनका तौलिया 1.5 लाख में खरीदा था। सलमान ने यह तौलिया फिल्म मुझसे शादी करोगी में इस्तेमाल किया था। नीलामी कर दी जाती है। कई बार हीरो हीरोइन द्वारा फिल्मों में पहने कपड़ों की नीलामी कर दी जाती है। नीलामी से आए पैसों को चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फिल्म देवदास में माधुरी दीक्षित ने जो हरे रंग का लहंगा पहना था वह लहंगा 3 करोड़ में बिका था। याद के तौर पर ले लेते हैं, स्टार्स कई बार फिल्म के हीरो हीरोइन को किसी ड्रेस में अपना लुक इतना अच्छा लगता है कि वे उस ड्रेस को अपने साथ ले जाते हैं। इस ड्रेस को वे पहनते नहीं बल्कि फिल्म से जुड़ी याद के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। बुकिंग पर चले जाते हैं वापस। मिड डे के साथ बात करते हुए टीवी प्रोड्यूसर राजन शाही ने बताया कि वह किसी कपड़े के सप्लायर से टाई अप कर लेते हैं, जिसके बाद वह हर मौके के हिसाब से कपड़े मंगवाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद कपड़ों को वापस भिजवा दिया जाता है।